हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन ग्रेवी, बहुत ही अलग अंदाज से और बहुत ही लजीज रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया एक कढ़ाई, उसके अंदर मैं ऐड करूँगी तेल और कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी। और जो मैंने खड़ा मसाले लिया है उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप जाके देख लेना। अब मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पर प्याज और उसे अच्छी तरीके से चला लेंगे। अब यहाँ पर कुछ मैं मसाले ऐड करूँगी, जैसे मैंने लिया है लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है तो हम इधर अपने पेस्ट डाल देंगे जो हमने मसाले के पेस्ट बनाए थे, और उसे अच्छी तरीके से हम चला लेंगे। बस हाई फ्लेम पे ही हमें चलाना है, फिलहाल हमें हाई फ्लेम पे ही उसे बनाना है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 2 मिनट बाद धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम अपने मसाले को अच्छी तरीके से चला लेंगे, और फिर चलाने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम कर देंगे और फिर उसके अंदर ऐड कर देंगे हमारे चिकन। जी हाँ, चिकन हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसे हाई फ्लेम पे वापस पकाएंगे ताकि हमारे चिकन का पानी अच्छे से गलने लगे। इसे ढक देंगे और अच्छी तरीके से पकाएंगे। जैसे देखिए हमारे पानी छूट रहा है तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक और फिर उसे अच्छी तरीके से हम चला लेंगे। बस इस तरीके से चलाना है हमें, और हम फिर उसे अच्छी तरीके से ढक देंगे ताकि उसका पानी निकले अच्छे से। देखिए जैसे हमारा चिकन का पानी निकल रहा था, नमक हमने जो डाले थे, अब उसे अच्छी तरीके से चलाने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही। जी हाँ, अब हमने ऐड कर दिया है दही, तो हम इसे हाई फ्लेम पे ही कुक करेंगे क्योंकि दही का भी पानी छूटेगा। तो फिर हम इसे अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पे कुक कर देंगे। देखिए जैसे दही का पानी भी अच्छी तरीके से सूखने लगा है, तब हम इसके अंदर हमारे कुछ वेजेस में यहाँ ऐड करूँगी। जैसे मैंने ऐड किया गाजर, और जो पालक सोवा का जो सोवा आता है वो मैंने ऐड किया है सोवा सब्ज़ी, और उसे अच्छी तरीके से चला लूँगी। और आप मानिएगा, इसका जो टेस्ट आएगा आपके चिकन में बहुत ही लजीज टेस्ट आएगा। और चिकन में तो सब्ज़ी डालना भी चाहिए, सुन्नत है ये हरी सब्ज़ी डालना, तो आपको टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए जैसे हमारे मसाला धीरे धीरे पक चुका है अच्छी तरीके से। अब मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर मैंने कम लिया क्योंकि हमने अखे खड़े मसाले भी लिए थे गरम, तो हम गरम मसाला थोड़ा 1 चम्मच ही ले लेंगे स्वाद के अनुसार। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी पानी। पानी आपके हिसाब से होना चाहिए कि आपको पानी कितना चाहिए और आपकी ग्रेवी की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी थोड़ा सा धनिया, इससे बड़ी ही अच्छी खुशबू आएगी और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसे अच्छी तरीके से चला के ढक दूंगी। तो देखिए हमारा चिकन ग्रेवी रेडी हो गया है, और इसे सर्व करें। बहुत ही यूनिक अलग स्टाइल का है, आपने कभी आज तक यूट्यूब पे ऐसी डिश देखी नहीं होगी, तो ज़रूर ट्राई करना, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलिए। आपके कमेंट ही बताएंगे कि मेरी रेसिपी कैसी बनी है। तो प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए अंदर से भी हमारा चिकन किस तरीके से पक चुका है, तो ज़रूर ट्राई करना। बाय।